तो वैक्यूम पंप हम क्यों काम में ले रहे हैं? वैक्यूम पंप काम लेने की हमारे पास में जैसे कि दो वजह है। पहली वजह तो मैक्सिमम वर्क आउटपुट लेना है जो हमारे को एलपी टरबाइन से, तो ये हमारी एलपी टरबाइन है, ठीक है। इसके जो एग्जॉस्ट है, यहाँ पर एग्जॉस्ट हम कह सकते हैं कि दोनों साइड से ये एग्जॉस्ट स्टीम निकल रही है, और इस एग्जॉस्ट स्टीम का जो टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है आपका जो वर्क आउटपुट है वो इस टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो वर्क आउटपुट है वो हमारा प्रोपोर्शनल होता है डीपी और डीटी के। जो टर्बाइन का जो वर्क आउटपुट है वो डिफरेंशियल प्रेशर और डिफरेंशियल टेम्परेचर जो इसके दोनों साइड का है डीपी और डीटी उस पर डिपेंड करता है, उस पर उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो हम अगर यहाँ पर जितना प्रेशर कम रखेंगे, जितना प्रेशर कम रखेंगे, जितना टेम्परेचर एग्जॉस्ट पे कम रहेगा उतना ही हमें मैक्सिमम वर्क आउटपुट मिलेगा। तो अगर हम नॉर्मल कंडीशन के बारे में बात करें जिसमें आपका टर्बाइन का एग्जॉस्ट पे प्रेशर एक एटमोस्फियर प्रेशर है, एक एटीएम प्रेशर है, तो वहाँ पर आपका जो एग्जॉस्ट टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और वहीं हम इस कंडीशन की बात करें जब हम वैक्यूम क्रिएट करके रख रहे हैं, तब हम क्या कर रहे हैं, टर्बाइन के जो कंडेंसर है उसके अंदर जो वैक्यूम है वो हम रख रहे हैं 0.01, और इसके अंदर जो टेम्परेचर जो हमें निकल के आएगा वो टेम्परेचर आएगा हमारा लगभग 44 डिग्री सेंटीग्रेड, जो इस कंडीशन में, इस रनिंग कंडीशन के अंदर हमारा है। तो हम दोनों कंडीशन की बात करेंगे, तो अगर इस कंडीशन की बात करेंगे जो हमारा डीपी रहेगा वो रहेगा, अगर आप बात कर रहे हो टर्बाइन के इनलेट पर आपको 5.13 bar प्रेशर मिल रहा है, तो यहाँ पर डीपी रहेगा आपका 4.13। और यहाँ पर इस कंडीशन की बात करें तो इस कंडीशन के अंदर डीपी आपका रहेगा वो रहेगा 5.1 bar, ठीक है। और वहीं डीटी की बात करें तो इस कंडीशन का जो डीटी है, इस कंडीशन में जो डीटी है वो है आपकी जो स्टीम आ रही है वो 295 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम आ रही है, और जो एग्जॉस्ट पे जो निकलेगी वो अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड की निकलती है तो ये हो गया 195 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि इस कंडीशन की हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपका डीटी आएगा वो आएगा 295 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम आ रही है और आउटलेट में 44 डिग्री की अगर स्टीम मिल रही है तो ये जो डीटी होगा ये 250 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। तो जो वर्क आउटपुट रहेगा आपका वो इस कंडीशन में आपका ज़्यादा रहेगा जिस कंडीशन में आप वैक्यूम पंप का यूज़ कर रहे हो। और जो दूसरी वजह वैक्यूम पंप को यूज़ करने की है वो ये भी है कि जब आप इस वैक्यूम जो एलपी टरबाइन के एग्जॉस्ट पे जो स्टीम आ रही है उसको आप एक पाथ प्रोवाइड करते हैं कंडेंसर ट्यूब तक का, जिससे कि वो अपनी हीट जो कूलिंग वाटर है उसको दे दे और वो कंडेंस हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में आपको जो हमारा वैक्यूम पंप है उसकी प्रॉपर एनिमेशन से वर्किंग दिखाने की। थैंक यू।